हेलो स्टूडेंट्स, यस बेटी, ये हमारा क्लास फोर्थ है। सब्जेक्ट है हमारा हिंदी, क्लास फोर्थ का जो हमने कल चैप्टर पढ़ा था, तो चैप्टर नंबर सिक्स है ये, गुणकारी नेम है ना। कल हमने इसकी रीडिंग की थी, तो आज हम इसका आगे वर्ड मीनिंग भी कर लिए थे, खालिस्तान किए थे, और आज हम आगे इसका पार्ट क्या करेंगे, क्लास फोर्थ सब्जेक्ट हिंदी। तो इसका ये है बेटी पार्ट क्या, सही कथन के सामने टिक लगाना है और गलत कथन के सामने क्रॉस लगाना है। नंबर वन है इसका, नीम की पत्तियों को पानी में उबाल कर नहाने से फोड़े फुंसी नहीं होती, तो ये क्या आएगा, टिक, राइट है। सेकंड है, बच्चों को होने वाली फुंसियों पर नीम की छाल छील कर लगा देने से आराम होता है, ये भी राइट है। थर्ड है, नीम की नई कोमल पत्तियों का स्वाद मीठा होता है, ये गलत है, कड़वा होता है। नीम की पत्तियों को सुखा कर कपड़ों में रखने से वे कीड़ों से सुरक्षित रहते हैं, ये ठीक है, राइट आएगा। और नंबर फाइव है, निम्बोलिया खाने से पेट की बीमारियों में लाभ होता है, ये भी राइट है। तो ये जिन बच्चों के पास बुक बैठे बुक में फिल कर लें, और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी नोटबुक में इनको लिख लें और लर्न करें साथ साथ, ऐसे वीडियो को पॉज करके लिख लें जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, फाइव सेंटेंसेज हैं और ये इनके राइट रॉन्ग है, ठीक है बेटे। तो ये पार्ट का है हमारा डन, उसके बाद हम करेंगे पार्ट गए, सही विकल्प के आगे टिक लगाना है, ठीक है। तो फर्स्ट है इसका, नीम का पेड़ ऊंचा होता है, केले के पेड़ के समान, आम के पेड़ के समान, तो ये आएगा आम के पेड़ के समान, ठीक है। सेकंड है, नीम के किस भाग को लोग दातुन के रूप में प्रयोग करते हैं, टहनी आएगा इसमें, ठीक है। नंबर थ्री है बेटा, नीम की सूखी पत्तियों को जलाकर धुआं करने से कौन भाग जाते हैं, पक्षी, कीड़े या मच्छर, मच्छर भाग जाते हैं, तो मच्छर पर टिक लगाना है। निम्बोली का रंग कैसा होता है, सफ़ेद, नीला या हरा, तो हरा होता है, तो हरे पर टिक लगाना है। इस तरीके से जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं बेटे, ऐसे वीडियो को पॉज कर लें यूँ, ये देखिए इसमें वन से लेकर फोर तक सब आए हुए हैं, और इस तरीके से आप कर लें। अब हम करेंगे इसका पार्ट घ, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, देखिए ऐसी वीडियो को आप पॉज करके लिख लें। नीम की पत्तियाँ कैसी होती हैं, नीम की पत्तियों के किनारे दोनों तरफ से कटे हुए होते हैं, ऐसे। सेकंड है, नीम की पत्तियाँ किस काम आती हैं, ये देखिए नीम की पत्तियाँ सुखाकर कपड़ों व अनाज में रखी जाती हैं, इसी काम आती है ना, उनकी पत्तियों को सुखाकर नीम की पत्तियों को कपड़ों और अनाज में रखा जाता है। नंबर थ्री है ये क्वेश्चन, निम्बोली खाने से क्या लाभ मिलता है, तो निम्बोली खाने से पेट की बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, नीम के तेल को किस प्रकार उपयोग में लाया जाता है, तो यह नीम के तेल से साबुन बनता है जो फोड़े फुंसियों को ठीक कर देता है। आप इनको कॉपी में लिखना बेटे। नंबर फाइव है ये पेड़, नीम के पेड़ को बीमारियां भगाने वाला पेड़ क्यों कहा जाता है, इसका आंसर है ये, क्योंकि नीम के प्रत्येक भाग को किसी न किसी रूप में बीमारी भगाने के काम में लाया जाता है, ठीक है। आप इस तरीके से वीडियो को ऐसे कर ले जैसे मैं करके दिखा रही हूँ आपको, ऐसे ये देखिए इसमें वन से लेकर थ्री तक के क्वेश्चन प्रॉपरली आए हुए हैं, क्वेश्चन भी और आंसर भी ऐसे, और ये इस तरीके से आप इनको लिख लें ऐसे। फिर फोर फाइव पर मैं लेती हूँ, ये देखिए वीडियो को ऐसे पॉज करके फिर आप लिख लें इनको, नोटबुक में लिखें बेटे, ये मैंने आपको करवाने के लिए केवल बुक में फिल किए हैं, ये आप इनको नोटबुक में लिखें और लर्न भी करें साथ साथ, ठीक है। तो आज आपका ये पार्ट क्या है, सही और गलत, फिर पार्ट गए है सही विकल्प के आगे सही चिन्ह लगाना है, और पार्ट घ है प्रश्नों के उत्तर, ही फाइव क्वेश्चन है, इनके आंसर हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल आगे करेंगे, तब तक के लिए बाय।